बॉलीवुड इंडस्ट्री की लीडिंग लेडी अनुष्का शर्मा आज अपना 34वां बर्थडे मना रही हैं। उनका जन्म यूपी की अयोध्या में हुआ था। अनुष्का ने अपने बॉलीवुड जर्नी की शुरुआत साल 2008 में आई फिल्म रब ने बना दी जोड़ी से की थी। फिल्म में उन्हें SRK की ऑपोजिट कास्ट किया गया था और फिर इसके बाद से ही अनुष्का ने कई सारी हिट फिल्में की हैं। वैसे तो बॉलीवुड जगत में अपनी पहचान बनाने के लिए ज्यादातर लोगों को काफी मेहनत करनी पड़ती है, काफी रिजेक्शंस का सामना करना पड़ता है, मगर अनुष्का शर्मा के मामले में ऐसा नहीं था। तो हुआ ऐसा था कि साल 2007 में अनुष्का शर्मा बेंगलुरु के एक शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रही थी। उस दौरान डेनिम शॉप पर उनकी मुलाकात एक शख्स से हुई जिनका नाम वेंडल रॉड्रिक्स है, जो कि फैशन के दुनिया के जाने माने डिजाइनर थे। उन्होंने अनुष्का को देखते ही मॉडलिंग इंडस्ट्री में आने का ऑफर दिया, जिसके बाद उन्होंने एक फैशन शो में हिस्सा लिया। अनुष्का ने मॉडलिंग की शुरुआत लैक्मे फैशन वीक में एक मॉडल के रूप में की थी। इसके बाद वो वेंडल रॉड्रिक्स के लेस वैम्प शो का हिस्सा बनी और इसी के साथ उनकी बॉलीवुड में एंट्री हुई, जिसके बाद उन्होंने साल 2008 में आई फिल्म रब ने बना दी जोड़ी में अपनी एक्टिंग से सबको इम्प्रेस कर दिया। इसके बाद उन्होंने बैंड बाजा बारात, बदमाश कंपनी, PK, ए दिल है मुश्किल और सुल्तान जैसी हिट फिल्में दी और दर्शकों के बीच काफी हिट रही। उन्होंने इंडस्ट्री के तीनों खानों के साथ भी काम किया है। आपको बता दें कि अनुष्का ने अपने करियर को एक अभिनेत्री तक सीमित नहीं रखा, बल्कि बतौर प्रोड्यूसर भी उन्होंने अपनी कला को दिखाया है। एक्ट्रेस ने NH10, फिलौरी और परी जैसी फिल्मों को प्रोड्यूस किया है। फिलहाल वो क्रिकेटर विराट कोहली और अपनी बेटी वामिका के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिता रही है। अगर वर्क फ्रेंड की बात करें तो अनुष्का जल्द ही चकड़ा एक्सप्रेस में झूलन गोस्वामी के किरदार में दिखाई देंगी।